अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात की जाए भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जो भाजपा सरकार है ना वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही, सब बराबर के हैं। हाँ। किसी के साथ कोई ऐसा ये वाला बात नहीं हो रहा है। हाँ। जो भी बात कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, गलत है ये, बहुत भाईचारा है, बहुत अच्छे आदमी है सब। पर राहुल गांधी फिर बार बार आरोप लगाते हैं कि नफरत की राजनीति कर रही है भाजपा, देश को धर्म की राजनीति करके तोड़ रही है। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ये जो यात्रा कर रहे हैं, ये भारत, जो भारत बुजुर्ग है ना, उनके उनके बुजुर्गों ने तोड़ा था, उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं क्या? अभी क्या समस्या आ रही है मौजूदा रेट की? सारी समस्या अभी हमने एप्लीकेशन दी है यहाँ पे ऑफिस में, गन्ने के रेट के बढ़ाने के, 2 साल से कोई रेट बढ़ाया नहीं है बीजेपी सरकार ने, और 325 का भाव, उसमें कितने आती महंगाई देखो ना, उसके तौर पर क्या भाव मिल रहा है, 3.25 किलो गन्ना खरीद रही सरकार यहाँ पे, क्या मिल रहा है किसानों को? अच्छा, जयप्रकाश सिंह, जयप्रकाश जी, फ्री जो है, फ्री बिजली, फ्री पानी मिल रहा है जनता को, बढ़िया है क्यों? आपको क्यों नहीं बढ़िया लग रहा है? इतने लोगों को तो मजे आ रहे हैं, निकम्मों को तो सब कुछ अच्छे लगेंगे तो फिर? अरे क्या बात करें, 2 बार जिता दिया हम आदमी पार्टी को। नहीं, हम तो किसान है, हम खेतों में मेहनत करते हैं, तो हमें तो अपनी मेहनत का मिलता है। क्या उगाते हैं आप, क्या उगाते हैं? क्या उगाते हैं? दिल्ली में मैं नहीं हूँ, दिल्ली में मेरा घर है, मेरी फैमिली है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें फ्री का नहीं चाहिए। आप क्या उगाते हैं? सब कुछ, गेहूं, धान, सब्जियां उगाते हैं। अभी हाल ही में किसानों के जो बिल आए थे, जो केंद्र से, एक मैं सवाल पूछ रहा, हाँ, ये बताइए, अभी हाल ही में कानून आए थे भाजपा सरकार लेकर आई, काफी विरोध हुआ था उन कानूनों का, उसमें क्या कहना है आपका? उसमें मेरा कहना ये है कि वो किसान जो विरोध कर रहे थे, वो केवल 2 स्टेटों को छोड़ के बाकी स्टेटों में क्या किसान नहीं है? सबने विरोध क्यों नहीं किया? हाँ। जो उस बिल को जानता नहीं वो विरोध करता है, वो केवल भारत में ही लागू नहीं है, और भी कंट्रियों में लागू है, वहाँ विरोध क्यों नहीं? केंद्र सरकार को वापसी लेना पड़ा कुल मिला के उस बिल को, कोई ना कोई तो कमी रही होगी ना जो वापसी लिया। देखिए, संपूर्ण तरीके से कोई भी बिल या कोई भी कानून देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो हर जगह रहेगी, क्योंकि गलतियां होना इंसान से स्वाभाविक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है जी। राहुल गांधी फिर बार बार आरोप लगाते हैं कि नफरत की राजनीति कर रही है भाजपा, देश को धर्म की राजनीति करके तोड़ रही है। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ये जो यात्रा कर रहे हैं, ये भारत, जो भारत बुजुर्ग है ना, उनके उनके बुजुर्गों ने तोड़ा था, उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं क्या? अभी वो अभी तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। भाजपा तोड़ रही है धर्म की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था, हिंदू मुस्लिम तब से हो रहा है, उस वक्त तो भाजपा नहीं थी, उस वक्त विश्व हिंदू परिषद RSS नहीं थी। अब राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, फिर क्या क्यों जोड़ रहे हैं भारत, कहां से टूटा? क्योंकि जिसके बुजुर्गों ने भारत को तोड़ा था वही जोड़ने के लिए परेशान है। एक सेकंड, हाँ भाई, क्या नाम है आपका, नाम बताइए? वंश। वंश, युवा चेहरा किसको देखना चाहेगा भारत का प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? बस पसंद करते हैं उसको। क्यों पसंद करते, कारण तो बताइए, कोई कारण तो? 48-50 साल तक, ताकि ब्याह ना करना पड़े, मौज लेना पड़े। आपको क्या पसंद है राहुल गांधी? बस अपनी पसंद है। हाँ, अपनी पसंद है, मतलब मौजूदा सरकार से खुश नहीं है ना, उसके क्या कारण है? हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं। अच्छा, गन्ने का पेमेंट का यूपी से? हाँ जी। हाँ, वहाँ पर ये बड़ी समस्या चल रही है गन्ने के पेमेंट की, क्या हो रहा है बताइए जरा जनता को, बताइए क्या है यूपी में, क्या क्या दिक्कत है क्षेत्र में? आता रेट तो बढ़ाया नहीं, आ गया बताइए। 325। नाम क्या आपका? मैं अरुण पांचाल। हाँ जी, बताइए क्या समस्या आ रही है मौजूदा रेट की? सारी समस्या, अभी हमने एप्लीकेशन दी है यहाँ पे ऑफिस में गन्ने के रेट के बढ़ाने के, 2 साल से कोई रेट बढ़ाया नहीं है बीजेपी सरकार ने, और 325 का भाव, उसमें कितने आती महंगाई देखो ना, उसके तौर पे क्या भाव मिल रहा है? 3.25 किलो गन्ना खरीद रही सरकार यहाँ पे, क्या मिल रहा है किसानों को? अच्छा, योगी सरकार आने से पहले क्या ये जो स्थिति थी वो ठीक थी? सर, योगी सरकार में प्रशासन सख्त है, प्रशासन से हम खुश हैं, पर जो महंगा हमारे पश्चिमी क्षेत्र में जो गन्ने के क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं किसान लोग, वो लोग खुश नहीं है। क्या मिलेगा सर किसानों को? हम किसान ही लोग हैं, मतलब कुछ चीजें अच्छी भी लगी, पर किसान वैसे देखा जाए आमदनी में तो बुरा जा रहा है। आमदनी बहुत बुरा, महंगाई के क्षेत्र में देख लो क्या है, आम आदमी क्या वह क्या करेगा, उसमें क्या मजदूरी है? महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है आम आदमी के सामने। अगर ये जो मुद्दा है उसके बाद फिर हमने देखा कि दोबारा यूपी में एक बार योगी आदित्यनाथ तो दोबारा CM बना, एक रिकॉर्ड तोड़ा गया यूपी, फिर ये क्यों हुआ? हमारे पश्चिम क्षेत्र से नहीं मिली है सर सीट उसको, उनको पूर्वी क्षेत्र से सीट मिली है, पूर्वी क्षेत्र वाले उनको लोग पसंद करते हैं, हमारे क्षेत्र से नहीं करते। जहाँ जहाँ पर ये गन्ने के किसानों की समस्या हुआ, नहीं मिलेगी सीट आज तक का रिकॉर्ड 10 सालों का मिली है तो बता दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाजी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में किसानों को है ना 2300-2500 में गन्ना बेचना पड़ता है, यहाँ पे फिर भी है ना 3300 के ऊपर मिल रहा है, और वो पूरा ये जो बोल रहे हैं ना, महाराष्ट्र में किसान, बिल्कुल 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 सही बात है, महाराष्ट्र में किसान अपने हाथ से गन्ना छीलते हैं क्या? मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूँ,
छीलते हैं क्या? आज तक छीला महाराष्ट्र के किसानों ने गन्ना अपने हाथ से? कभी नहीं छीला ना। वहीं पे मिल कारखाने की लेबर आती है, कारखाने के ठेकेदार। भाई साहब तुम्हारा तो सबसे बढ़िया है, तुम्हारा तो खड़ा खेत में गन्ना कट जाता है, लेके जाता है। हम लोगों को देखो ना, यूपी में योगी जी का कोई विकल्प नहीं और भारत में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। वही कह रहे हैं, पर आमदनी से परेशान है वो भी। महाराष्ट्र में किसानों की स्थिति ये नहीं बात, ये गन्ने की किसानों की ना, ठीक है। तो हर चीज अगर आप डिपेंड रहोगे केवल मिलों पे तो विकास नहीं होगा। तमाम उसके और भी ड्राई फ्रूट तो स्वयं बनाओ, उसके लिए तमाम योजनाएं हैं। बनते हैं, बनते हैं। एक उनसे बात, हाँ जी ये बताइए कि वहाँ पे किसानों की स्थिति महाराष्ट्र में? गन्ना फसल बना उगाने वाले किसान बहुत खुश है, उनको जितना मिलता है ना उसमें यूपी वाले तो नाराज है, लेकिन वो पर्सनल कुछ हो सकता है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति चल रही है कि जनता का मूड किसके साथ जाएगा 2024 प्रधानमंत्री पद के लिए? जनता का मूड तो बीजेपी के साथ चलेगा, बीजेपी के साथ रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश कुमार मिश्रा नाम है। मिश्रा जी किसे देखना चाहोगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? मेरा पहले ये मुद्दा सुन लीजिए कि योगी जी को हमने दो बार जिताया, बड़ा बड़ा बैनर लगा रखा था कि उतरौला बाजार में रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बना। तो उसको योगी जी को याद दिलाना चाहिए और प्रधानमंत्री देश के कि हमारा उधर अगर बन जाएगा तो हमारे लोग के लिए सहूलियत हो जाएगा। रेलवे स्टेशन के अलावा क्या बाकी विकास हुआ आपके क्षेत्र में भाजपा सरकार में? नहीं, विकास तो योगी जी का दौरा तो था बाढ़ क्षेत्र, हमारा नदी का इलाका है ना, तो योगी जी आते जाते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है सड़कें तो वैसे वैसे हुए, अभी हाँ बनता है फिर वैसे टूट जाता है। भाजपा सरकार में विकास हुआ है भाई साहब, क्या लग रहे हैं कि नहीं हुआ? नहीं अभी तो कुछ नहीं देख रहे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नरेला। नरेला का? अच्छा, तो ये बताइए 2024 में भारत का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? मोदी जी को ही देखना चाह रहे हैं। मोदी जी क्यों? अच्छे लग रहे हैं वो, अच्छा काम तो कर रहे हैं, अच्छा वो। पर केजरीवाल जो है ना, बस जो चलवा रहे हैं, जगह जगह बस रुकती नहीं है, सवारी रोड पे खड़ी रहती है। मैं नरेले से आया हूँ, बहुत दिक्कत हुआ यहाँ तक आने में। वो तो इतनी नई नई बसें निकाल रहे हैं, मार्शल तैनात कर रहे हैं। वो जो अपने एजेंट को लगा रखे हैं, जो उसमें काम करने वाले हैं, वो आदमी देख के रोकते, जब तक हाथ दो वो बस आगे निकल जाती है। अब हम 3 बजे से अभी आए नरेला से, यहाँ आने में 3 बज गया मुझे, 3 बजे का निकला हुआ, मैं 7 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। 4 घंटे लग गए। एक तो बस टाइम से नहीं आती और बस रोकते नहीं है। केजरीवाल बस तो निकाला है, लेकिन पब्लिक को कोई फायदा नहीं हो रहा। पब्लिक वो अंग्रेजी में लिख देते हैं, कोई हिंदी में लिख देते हैं, कोई उर्दू में। आपने कहा कि मोदी जी बढ़िया लगते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा नफरत फैलाती है, हिंदू मुसलमान करती है। ऐसा कुछ नहीं, बेचारे और दंगा फसाद नहीं करते, आपस में भाईचारा करते हो, बहुत अच्छे संजीदा मिजाज के हैं। अब प्रधानमंत्री हैं तो उनको तो हर कोई अच्छा भी कहेगा, कोई बुरा भी कहेगा भाई, लेकिन बहुत अच्छा आदमी हो। अब केजरीवाल की बात सुनो, उन्होंने बस में तो फ्री कर दिया, लेकिन बस वाला जो ड्राइवर है ना रोकता नहीं है, पब्लिक खड़ी रहती है वहाँ बस स्टैंड पे। तो इसके लिए तो कुछ सुभाग होना चाहिए साहब, हैं? ये कोई बात अच्छी थोड़ी है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। कोई लेडीज लेके, कोई भी बिरादर हो, वो नहीं कि मुस्लिम या ये वो, कोई भी हमारे बिरादर हो, वो बेचारे खड़े रहते हैं, बस वाला बस रोकता नहीं है, आगे जाके रोकेगा या पीछे रोकेगा। टीसी में कहीं ना कहीं समस्या है जो अभी मौजूदा सरकार है उससे। जी जी जी, टीसी की समस्या है ये। बताइए, अब हम 5-4 घंटे लग गए मुझे। अच्छा, अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात की जाए भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जो भाजपा सरकार है ना वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही, सब बराबर के हैं, किसी के साथ कोई ऐसा ये वाला बात नहीं हो रहा है। जो भी बात कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, गलत है ये, बहुत भाईचारा है, बहुत अच्छे आदमी सब।